आदाब। In this movie, you will watch how to get information about a person and his or her family. At the end of the movie, you will be asked questions, so please try to answer them. इस मूवी की बातचीत के जरिए आप सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के बारे में उसके खानदान और घर के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। मूवी के अंत में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नमस्ते बेटा, तुम कहाँ से हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं केरी से हूँ और मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरे तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियाँ हैं। आंटी जी, आप कहाँ से हैं और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे दो बेटे हैं और मैं उन्हीं के साथ डरम में रहती हूँ। मेरे दो पोते और दो पोतियाँ हैं। क्या आपके दोनों बेटे साथ में रहते हैं? नहीं, मेरा बड़ा बेटा शार्लेट में है और वहाँ उसका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है और बहू यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और छोटा बेटा डॉक्टर है, वो राले में है, बहू डिज़ाइनर है, उसका अपना बुटीक है। छोटे बेटे के साला साली भी बहू के बिजनेस पार्टनर हैं। मेरी एक बेटी भी है और बेटी और दामाद शिकागो में रहते हैं, उनके भी दो बच्चे हैं। आपके नाती नातिन क्या करते हैं? क्या वे लोग भी शिकागो में ही रहते हैं? नहीं, मेरा नाती कैलिफोर्निया में है और वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है और नातिन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पर शोध कार्य कर रही है। और तुम इंडिया में कहाँ से हो? आंटी जी, मैं मुंबई से हूँ और वहाँ पर मेरे माता पिता और तीन बहनें और एक भाई है। मेरे दादा दादी भी उनके साथ ही रहते हैं। मेरी एक बुआ और फूफा भी हैं जो बांद्रा में रहते हैं और मेरे भैया भाभी दिल्ली में रहते हैं और उनके दो बच्चे हैं। मेरा भतीजा 4 साल का है और भतीजी 2 साल की है। आपकी बहनें क्या करती हैं? क्या वे शादीशुदा हैं? बड़ी बहन की शादी हो गई है और वह अपने पति सास ससुर के साथ बड़ौदा गुजरात में रहती है। बाकी दो बहनों की शादी नहीं हुई है। बीच वाली बहन बैंक में नौकरी करती है और मेरी छोटी बहन नाना नानी के साथ बैंगलोर में रहती है और वहीं पर कॉलेज जाती है। और आपके दीदी और जीजा जी क्या करते हैं? मेरी दीदी गृहिणी है, वह घर पर ही रहती है और मेरे जीजा जी का फलों का व्यापार है, इसलिए जब भी वो मेरे मायके जाते हैं तो बहुत ढेर सारे फल लेके जाते हैं और हम लोग जी भर के खाते हैं। क्या आपकी दीदी के भी कोई बच्चा है? हाँ जी, है ना, उनके तीन बच्चे हैं, मेरे दो भांजे और एक भांजी है। उनकी क्या उम्र है? बड़ा भांजा 14 साल का है और मेरी भांजी 11 साल की है और सबसे छोटा भांजा वो अभी 9 साल का है। आपका कोई और भी रिश्तेदार यहाँ रहता है? मेरे पति के ताया ताई और चाचा चाची कनाडा में रहते हैं। ताया ताई रिटायर हैं और चाचा जी फैक्ट्री में काम करते हैं और चाची जी एयरपोर्ट पे काम करती हैं। वह 40 साल से कनाडा में रहते हैं और हर साल हमसे यहाँ मिलने आते रहते हैं। आंटी जी, आपके भी सब रिश्तेदार यही हैं? हाँ, मेरे नंद और नंदोई वाशिंगटन डीसी में रहते हैं और मेरी बहन और जीजा लंदन में हैं। मेरे जेठ जेठानी और देवर देवरानी सब इंडिया में रहते हैं। वहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े घर हैं और फार्म हाउस भी है जहाँ पर खूब सब्जियाँ और फलों के पेड़ लगे हैं जिनकी देखरेख माली काका करते हैं। आप कभी हमारे घर आइए, मैं घर पर ही रहती हूँ। ज़रूर आंटी जी, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ क्योंकि मेरे मामा मामी अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ घूमने आए हुए हैं और अभी कुछ दिन रुकने वाले हैं, फिर न्यूयॉर्क मेरे मौसा और मौसी के पास जा रहे हैं और उनके जाने के बाद मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। आंटी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे मैं जल्दी मिलती हूँ। जरूर, फिर मिलते हैं। आपके घर में कौन कौन है? आपके अम्मी अब्बू और दादा दादी
कहाँ रहते हैं? आपके वालदेन क्या काम करते हैं? क्या आपका कोई भाई है? आपकी कितनी बहनें हैं? क्या आपके नाना नानी को यहाँ रहना पसंद है? क्या आपके ताया ताई यहाँ आपसे मिलने आए हैं? आप शिकागो किससे मिलने जा रही हैं? आपकी बुआ और फूफा आपसे मिलने कब आ रहे हैं? थैंक्सगिविंग पर आपके घर कौन आ रहा है?